आपस में 36 का आंकड़ा हो गया है। सिर्फ जून महीने में आसमानी बिजली में से लगभग 180 ट्रांसफार्मर अकेले रांची जोन में जल गए हैं, और यही वजह है कि मौसम खराब होते ही रांची में अंधेरा छा जाता है। मानसून के महीने में अगर आप ये सोचकर घर में हैं कि आपको निर्बाध बिजली मिलेगी और आप लॉकडाउन में सुकून से घर में रह सकते हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। रांची जोन में बीते 24 घंटों में शहर के करीब करीब सभी हिस्सों में लंबे लंबे पावर कट हुए। आसमानी बिजली चमकती है तो एहतियातन ग्रिड को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि अकेले जून के महीने में ही रांची जोन में 170 से 180 के आसपास ट्रांसफार्मर जले और बाद में बदले गए हैं। विभाग द्वारा करीब 170 से 180 ट्रांसफार्मर को बदला गया है विभिन्न क्षमता के, जिसमें कि 25 केवीए के हैं, 63 केवीए के हैं, 100 केवीए के हैं और 200 केवीए के भी हैं। और जैसा कि आप लोग को भी जानकारी है कि जून माह में थंडरिंग काफ़ी तेज़ हुआ और मेरे जो भी ट्रांसफार्मर जले हैं आकाशीय बिजली गिरने के कारण ही जले हैं ट्रांसफार्मर। एसी पावर कट के कारण रांची के रिम्स में भी काफी देर तक अंधेरा छाया रहा। हालांकि अर्बन एरिया में ये तय किया गया है कि 6 से 8 घंटे के अंदर जले हुए ट्रांसफार्मर को बदल दिया जाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 72 घंटों का समय रखा गया है। हमारा जहां तक अवेलेबिलिटी का सवाल है, तो मेरे पास जितनी भी बिजली की आवश्यकता है, जितनी भी बिजली की खपत है, मेरे पास पावर अवेलेबल है। आज के दिन में मेरा 260 से 270 मेगावाट रिक्वायरमेंट है पावर का, और इसके अलावा मेरा अगर खपत अगर इंक्रीज भी होता है तो हम आपको देने में सक्षम है। कहीं रांची में 25, 63, 100, 200 मेगावाट के ट्रांसफार्मर का स्टॉक है और बहुत सारे ट्रांसफार्मर तो स्थानीय वर्कशॉप में रिपेयर कर फिर से चालू हालत में लाए जाते हैं और लगा भी दिए जाते हैं। पहले और अब में फर्क सिर्फ इतना है कि पहले ट्रांसफार्मर चलते थे तो जन प्रतिनिधियों की पैरवी से महीनों बाद लग पाती थी, और अब कम से कम 24 घंटे के अंदर इन्हें बदल तो दिया ही जाता है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन दीपक के साथ शहरवाज अख्तर करीब। किसानों के उत्साह को बढ़ाने के लिए बुढ़मू प्रखंड क्षेत्र में सांसद संजय सेठ ने